हाय फ्रेंड्स, केम छो, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त जर्मे, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के अंदर। तो आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके आया हूं आरसीटी मॉल घाटकोपर मुंबई में बच्चों की दुनिया देखने। बच्चों की दुनिया मतलब जिसको जाना जाता है किड्जेनिया नाम से भी, बच्चों की दुनिया देखना है तो बच्चों की दुनिया बच्चों की नज़रों से देखना ज़रूरी है। तो आज मेरे साथ आपको देखने मिलेंगे और तीन को होस्ट। कौन है ये रे? देख नहीं है, रुक जाओ। आबरा काडाबरा गिली गिली चू। हाँ, तो ये तीन है जो आज मेरे साथ आपको कोस्टिंग करते हुए देखने मिलेंगे। ये लोग पहले आ चुके हैं, बहुत सर खाली, अंकल अंदर ये, अंकल अंदर वो, अंकल फलाना इमकान है। मतलब भाई आप लोग मेरे साथ खुद ही ब्लॉग कर लो, तो वो लोग थोड़ा बहुत बोलेंगे, बाकी सबको डिटेल्स वगैरह मैं ही दूंगा। और दूसरी एक बात, अगले ब्लॉग में आप लोग के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज आने वाला है, अगर वो अभी नहीं बताएंगे उसके लिए आपको अगला ब्लॉग देखना पड़ेगा। अभी वो अभी नहीं बताएंगे ना, सरप्राइज है। मगर चलिए ठीक है, ब्लॉग के एंड में आपको थोड़ी बहुत झलकी दे देंगे हम लोग अगले ब्लॉग में क्या करने जा रहे हैं, उसके लिए लास्ट तक ब्लॉग जरूर से देखेगा। फिलहाल शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। ए हेलो, ओ भाई ऐसा पहला पार्क देखा है जहाँ पे बच्चों की एंट्री फीस एडल्ट से ज्यादा है। आज वीकेंड है तो बच्चों का एंट्री फीस है 1650 और एडल्ट का है 750। देखिए ये इनका एंट्री पॉइंट, टिकट काउंटर। देखिए पूरा एयरपोर्ट का फील बना के रखा है। यहाँ से आपको जिगजैग होते हुए अंदर जाना है और अंदर जाके टिकट लेना है। आइए चलिए अंदर, अपनी एंट्री टिकट ले रहे हैं यहाँ से। तो पूरा एयरपोर्ट फील दिया है, काउंटर भी एयर इंडिया का बनाया हुआ है यहाँ पे। तो एंट्री टिकट काउंटर के ऊपर आपको ये बैंड दिया जाता है, बेसिकली ये स्कैनर है जो प्रेरणा के हाथ पे भी ये मैडम बांध रहे हैं। आपके बच्चा ने लास्ट कौन सी एक्टिविटी की थी वो आपको ये स्कैनर से, कोई भी नियरेस्ट काउंटर से पता चल जाएगा। सिर्फ एयरपोर्ट का फील नहीं है, ये देखिए एंट्री टिकट भी पूरा बोर्डिंग पास के जैसा बनाया है इन्होंने। अब ये यहाँ पे देना है ये भाई को और उसके बाद एंटर करेंगे हम लोग किड्जेनिया। किड्जेनिया 4 से 16 साल के बच्चों के लिए एक रियल लाइफस्टाइल थीम बेस्ड गेम जोन है, जहाँ पे एक पूरी सिटी बनाई गई है, जहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स, अलग अलग कंपनीज की ऑफिसेज बनाई गई है, बिल्डिंग्स बनाए गए, जिसमें बच्चों को अलग अलग एक्टिविटीज करनी थी, अलग अलग रोल प्ले करने रहते हैं। जैसे कोई रेडियो जॉकी बन सकता है, कोई डॉक्टर बन सकता है, पोल्ट्री वाला बन सकता है, कोई डब्बा वाला बन सकता है। तो अलग अलग रोल प्ले करना रहता है और एक्टिविटी जब कम्प्लीट होती है तो उनको उसके अगेंस्ट में फेक मनी, जैसे हम लोग बाहर जाते काम करते तो अपने को पैसा मिलता है, वैसे यहाँ पे एक फेक नोट्स इन लोग ने बनाई जो सिर्फ किड्जेनिया में ही चलती है, तो बच्चों को वो दी जाती है उसके अगेंस्ट में। तो बेसिकली उनको सिखाते कि रियल लाइफ में आप कैसे काम करते, कैसे कमाते। तो जैसे अंदर आएंगे ये आपको एक चेक मिलेगा ऐसे, जिसको आपको जाके अंदर बैंक में एनकैश करना है। हाँ चलिए बैंक में एनकैश करेंगे और वो पैसे से आपको अंदर सब एक्टिविटीज करनी है। स्मॉल बैंकर, सबसे पहले एक्टिविटी जो अपने बच्चे लोग ने सिलेक्ट की है वो है फ्रूटी। अभी अंदर क्या चल रहा है ना बॉस, अपने को कुछ भी पता नहीं है, क्योंकि बच्चे लोग को ही सिर्फ अंदर अलाउड है, पेरेंट्स को कांच के बाहर ही रुकना है। तो जब बाहर आएंगे तो पता चलेगा, जो बाहर से देख कैसा लग रहा है, फ्रूटी कैसे बनाते, वो सब उनको प्रोसेस दिखाई जा रही है। लोग आ गए फ्रूटी एक्टिविटी करके, आइए इन लोग से जानते हैं अंदर सिखाया क्या है। तो पहला होस्ट अपना बताएगा फर्स्ट एक्टिविटी लोग करके अंदर क्या देखने मिलेंगे। सबसे पहले जो मैंगोज रहती है उसको कैसे क्रश करते हैं, पीसेस करते हैं बताया, और फिर मतलब उसमें कैसे एक पाइप एक मशीन से दूसरे मशीन में कन्वर्ट करता है, उसमें जो थ्रेड लाइक पार्टिकल रहते हैं उसे कैसे रिमूव करते हैं, फिर जो एयर बबल्स रहते हैं उससे कैसे डिक्रीज करके रिमूव करते हैं, फिर जो हीट करते हैं, हीट करते हैं एयर बबल्स रिमूव करते हैं, फिर जो फिर तक कूल करते हैं कि गर्म नहीं कोई नहीं पीना चाहिए, तो फिर एक और पाइप से दूसरे मशीन में ट्रांसफर करते हैं जिससे वो पैकेज होकर बाहर आ। तो अभी अपनी बच्चा पार्टी गई है किंडर जॉय के अंदर,
देखिए यहाँ पे, तो बेसिकली मोटा मोटी जो अब तक मुझे समझ में आया, हर एक कंपनी ने अपना अपना स्टॉल लगाया है। देखिए यहाँ पे सामने की तरफ पार्ले देखने मिलता है, अभी ये लोग फ्रूटी में गए थे, अभी किंडर जॉय में गए, तो ये लोग स्क्रैच से उनका प्रोडक्ट बनता कैसे वो उनको दिखाते हैं, सिखाते हैं, पूरा प्रोडक्ट रेडी करवाते, लास्ट में उनको गिफ्ट में वो प्रोडक्ट मिलता है वापस एक। और एक चीज़ यहाँ पे हर एक एक्टिविटी का है ना टाइमिंग है, यहाँ पे नेक्स्ट साइकिल 5:05 का है, 20 मिनट्स की एक्टिविटी है किंडर जॉय की, तो हर एक एक्टिविटी के बाहर से टाइमिंग लिखा रहता है नेक्स्ट बैच कब आएगा। तो देखते हैं अभी बच्चे लोग कितना एंजॉय करके आते हैं, बाहर आएंगे जब उनसे बात करते हैं एक बार। भाई सोचा तो था बच्चे लोग के साथ में बात करें कि उनको बोलेंगे अपने साथ में होस्ट करो, मगर एक भी बच्चा रुकने के लिए तैयार नहीं। ऑब्वियस ही बात है वो लोग भी एक्साइटेड है, तो अभी ये लोग कोई गए नटेला के अंदर, पता नहीं क्या शेफ बने हुए, देखते क्या करते ये लोग। अब ये लोग पहुंच गए फायर फाइटिंग डिपार्टमेंट, जहाँ पे ये देखिए फायर फाइटर्स की टीम रेडी हो रही है, और जैसे ही यहीं पे फायर लगता है, जैसे ये लोग ये गाड़ी निकालेंगे वहाँ पे जाएंगे और फायर फाइटर्स जैसे काम करते वैसे आग बुझाने का काम करेंगे। हम लोग की बच्चा पार्टी बनी है अभी डब्बा वाला, तो अभी जाएंगे ये लोग कहीं पे डब्बा डिलीवर करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। हमारी पिया मैडम ने डब्बा वाले ने डब्बा डिलीवर कर दिया और उसको वाओ पिया हाउ मच यू अर्न, कितना पैसा मिला आपको? ₹8। चलो वेरी गुड। तो जैसे हम लोग आगे बढ़े, हम लोग को देखने मिला है किड्ज़ेनिया का थिएटर, जहाँ पे आप आपका टैलेंट शो कर सकते हो। जैसे ये बच्ची मैजिक शो दिखा रही है, आपको बेसिकली थोड़ा बहुत सिखा दे आप ये शो कीजिए, उसके अगेंस्ट में आपको पैसा दिया जाता है। तो सोचा था भाई खाली एक्टिविटीज़ है, खाने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि भूख बहुत ज़ोरों की लगी थी, तो खाने पीने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, ऑल दो थोड़ी कॉस्टली साइड पे। हम लोग ने यहाँ से एक मैगी लिया था, अभी देखो भाई ₹10 की मैगी का है ना यहाँ पे ₹150 चार्ज कर रहे हो, तो बहुत महंगा है खाना अंदर। और उसके बाद हम लोग को देखने मिली ये किड्ज़ेनिया की परेड, तो अभी बच्चे लोग बनने आए हैं डबिंग आर्टिस्ट। बेसिकली ऊपर एक कार्टून चल रहा है, उन लोगों को बुक दिया गया है, उसके अंदर कैरेक्टर्स का जो भी डायलॉग्स रहेगा वो है डायलॉग्स उनको बोलने हैं और डबिंग करना है। और अब ये लोग पहुंच गए एनिमेशन स्टूडियो, जहां पे वो एक एनिमेशन मूवी बना रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे रख के, और ये भाई मुझे लेके आ गया भाई साइकिलिंग करने के लिए, क्या इसको सूझा पता नहीं, महिंद्रा का ग्रीन एनर्जी था, वहाँ पे ये मुझे लेके आया कि भैया साइकिलिंग करेंगे एनर्जी बनाएंगे। भाई साहब हालत खराब हो गई मेरी। भाई साहब साले को किसने आइडिया दिया, तेरे को किसने आइडिया दिया था इधर जाते, ग्रीन एनर्जी के लिए यहाँ जरूर आइए। ये देखो हालत देखो मेरा, वो ये 6 ग्रीन लाइट 6 5 पाँच ग्रीन लाइट करने के चक्कर में हालत खराब हो गई, खोलने भी नहीं हो रहा है। अभी मैं इसको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद, कुछ अलग एक्टिविटी लगे साइकिलिंग करो। हाँ पेट पापी पेट, वो अंदर चला जाए, हमारा पापी पेट अंदर ही है, मगर भाई को क्या पता नहीं क्या सूझा, मेरे को आके बोल रहा है चलो चलो एनर्जी बनाएंगे, ग्रीन एनर्जी बनाएंगे। हम भी मस्त उसके साथ एनर्जेटिक हुए, चालू हो गया, मगर बॉस थोड़ी देर के बाद हालत खराब। अभी जाते हैं बच्चे लोग कौन सी एक्टिविटी में पता नहीं, देखते। तो यहाँ पे रोड पास ड्राइविंग स्कूल, देखिए स्टिम्युलेटर रखे हुए हैं, बच्चे लोग को यहाँ पे ड्राइविंग सिखाते हैं अंदर। तो अभी हम लोग आए DHL एक्सप्रेस सर्विस, तो अपने बच्चा पार्टी बनेगी अभी कुरियर डिलीवरी पर्सन, जैसे अपने नॉर्मल लाइफ में जो जो चीज़ें लगती है ना आजकल के मॉडर्न ज़माने में, सब यहाँ पे कंपनीज देखने मिलती है। देखिए DHL आ गया,
यहाँ पे ये स्टॉक मार्केट का भी है, यहाँ पे कुछ फ्यूल स्टेशन बनाया है आगे, यहाँ पे यहाँ की तरफ जो मैंने आपको पहले भी दिखाया डब्बा वाला है, यहाँ पे एक पेट रेस्क्यू एजेंसी है, ये कुछ नटेला का था पता नहीं क्या था। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए, ग्रीन एनर्जी के लिए महिंद्रा का भी बनाया गया है जो मैंने आपको साइकिलिंग करके दिखा। ये देखिए ये भाई अपना बच्चा यहाँ पे निकल रहा है एक डिलीवरी के लिए उनके बॉक्सेस लेके। ये आपने क्या किया अभी? आंटी को क्यों वापस दिया? अच्छा सिग्नेचर लेने के लिए। ओ तो अभी अपनी बच्चा पार्टी जाएगी पेट रेस्क्यू करने के लिए, अलग अलग जगह पे जाएंगे। अभी मैं नहीं जा रहा हूँ बेसिकली, बहुत थक गया हूँ, वो लोग ही जा रहे हैं। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग शॉप में सॉफ्ट टॉयज रखे रहेंगे, ये लोग उनको जगह बोलेंगे कौन से शॉप में जाना है, वहाँ पे जाएंगे और रेस्क्यू करके लेके आएंगे। जो बच्चे लोग ने अर्न किया था एक्टिविटीज़ करके, वो कैश को अब कन्वर्ट कर रहे हैं डेबिट कार्ड के अंदर बाई IDFC फर्स्ट बैंक। तो ये आ गया पिया का फर्स्ट डेबिट कार्ड। चलो पिया बेन, अभी तुम्हारा जाएंगे और हम लोग बैलेंस चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे ATM मशीन भी रखा गया है जिसमें डेबिट कार्ड से बैलेंस भी देख सकते हैं। प्रॉपर अपना ATM मशीन रहता है, रियल वैसा ही है इंग्लिश। अभी देखिए कार्ड इंसर्ट किया पिया ने, गया और वाह 64, वाह वाह पिया वाह वाह। तो यहाँ पे ना हर एक एक्टिविटी के बाद आपको ऐसा बोर्ड देखने मिलता है, जैसे यहाँ पे देखिए जैसे ये सैलून है तो यहाँ पे दो बोर्ड है, एक ब्यूटिशियन का जिसमें आपको अंदर जाके एज एन ब्यूटिशियन काम करना है जिसके लिए आपको 10 रुपीज़ मिलेगा, और दूसरा है ब्यूटी सैलून में एज एन कस्टमर जिसमें आपको 10 रुपीज़ देना है। दोनों की एक्टिविटी का ड्यूरेशन है 15 मिनट्स। कभी पिया मैडम ने अर्न किया है पैसे थोड़े बहुत, अभी जाएंगे थोड़ा खर्चा करेंगे। तो गए हैं सैलून में। पिया आप क्या करवाने वाले हो? नेल आर्ट। अरे वाह, देखिए ये दिया भी गई है। दिया आप क्या करवाने वाले हो? नेल आर्ट। दोनों नेल आर्ट करने गए, बहुत पैसे हो गए भाई दोनों के पास। तो अंदर जाएंगे खर्चा करेंगे और वापस फटाफट बाहर आएंगे। तो पिया और दिया गए नेल आर्ट कराने के लिए और जिया को मन हो गया है वॉल क्लाइंबिंग करने के लिए। तो भाई देखो क्या फटाफट चढ़ रही है एकदम, हो भाई बंदर शर्मा जाए इतना फास्ट चढ़ रही है ऊपर, मगर बहुत बढ़िया। छोटे होने के बाद भी इतने करेज बताते, इतना ऊपर फटाफट चढ़ जाते, अपने बस का काम नहीं है करना। तो बहुत अच्छा किया लड़की ने। तो ये नीचे आएगी फिर आगे बढ़ते। वेरी नाइस, या वेरी गुड। अभी देखो खरबूजे को, देखो खरबूजा रंग पकड़ता है, अभी उसको देखा है तो पिया को भी मन हो गया है। तो अभी पिया मैडम भी चालू गए, और तो हमारी पिया थोड़ी स्लो है, वो करती नहीं है ऐसा, मगर थोड़ा पुश करना पड़ा, मगर इस बार थोड़ा सा पुश करने के बाद भाई चढ़ गई पक्का। वो भी ये भी पहुंच जाएगी ऊपर ऐसा लग तो रहा है। पिया बहन थोड़ा जाने दो गाड़ी जाने दो और थोड़ा। ओके सो पहुंच गई है पिया भी टॉप के ऊपर। वेरी नाइस, वेरी गुड। अभी बाप ने किया तो बेटी कैसे रह जाए, तो हम लोग ने ग्रीन एनर्जी बनाया तो दोनों बच्चे भी बनाने बैठ गए। ऑल्दो उनके लिए उन्होंने साइकिल्स का राउंड कम रखा हुआ है, और यहाँ पे चाहो तो आप रेडियो चौकी का जॉब भी कर सकते हो। तो दोस्तों हो गया अपना किड्जेन या घूम के, टोटली आपको यहाँ पे 5 घंटे मिलते हैं। हम लोग अप्रोक्सीमेट आए थे कुछ 3:30 बजे, अभी बज रहे हैं 9, तो बस हम लोग जस्ट निकल रहे हैं यहाँ से। अभी एक्टिविटीज़ बहुत सारी है, बच्चों को बहुत मज़ा आता है अलग अलग चीज़ें करने के लिए, अलग अलग चीज़ें अर्न कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। बेसिकली पैसा कैसा बताना वो उनको समझ में आता है, कैसे अर्न करना वो समझ में आता है, मगर बाहर जब काउंटर पे खर्चा करते हैं ना तो वो 1600 रुपीज़ मुझे इतना वर्थ नहीं लगता है। सबका अपना अपना ओपिनियन है, मैंने अपना ओपिनियन बताया। मज़ा बहुत आता है, और एडल्ट के लिए यहाँ पे करने के लिए कुछ भी नहीं है, अंदर सिर्फ आपको बच्चों का ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है, उसका भी फ्री चार्जेस नहीं है। ऑफर के अंदर बच्चे के साथ में एक को अलाउ करेंगे, मगर उसके अलावा आपको 800 एंड समथिंग 80 रुपीज़ कुछ चार्जेज है विद टैक्स जो आपको पे करना पड़ता है। तो अब बारी आप लोग को दिखाने की कि अगले ब्लॉग में क्या आप लोग के लिए सरप्राइज है। तो ये देखिए
तो ये वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। होपफुली आप लोग को मजा आ रहेगा, हम लोग को मजा भी आ गया, थक भी बहुत गए। तो मिलते हैं जल्दी आपको एक नए वीडियो में कुछ एक्साइटिंग चीज के साथ में। तब तक जय हिंद, गुड नाइट एंड बाय बाय।